प्लैनेट अर्थ में इंसानों की तबाहकुन सर गर्मियों ने पूरी गैलेक्सी को खतरे में डाल दिया है। लिहाजा गैलेक्टिक काउंसिल के एक आला सतह के इजलास में अर्थ को खत्म करने का फैसला दिया जाता है। गैलेक्टिक काउंसिल ने अपने सफीर T2 को अर्थ के सर्वे करने का मिशन सौंपा, मगर T2 का जहाज एक हादसे का शिकार होके पाकिस्तानी गांव में जा गिरा, जहां एक पाकिस्तानी लड़की तानिया ने अपनी जान जोखों में डाल के उसकी जान बचाई। जब तानिया को T2 के मिशन का पता चला तो जमीन को बचाने के लिए वो T2 को पाकिस्तान में रहने वाले अच्छे इंसानों की सच्ची कहानियां सुनाती है। T2, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? मुझे घर जाना है। अरे अभी पहुंच जाओगे तुम घर, झट से फटाफट फटाफट। मेरा घर? मैं तुम्हें ऐसे हीरो की कहानी सुनाती हूँ जिसने उन लोगों की मदद की जो अपने घरों से दूर थे और उनको अपनी वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। क्या वाकई? उनके बारे में तो बताओ। इंसानियत एक फलसफा है जिसका मतलब है दूसरे इंसानों की कदर करना, उससे खुश अखलाकी से पेश आना और उन्हें इज्जत देना। मगर खुद को बड़ा ताकतवर इंसान साबित करने की हवस में हम अक्सर हैवानों से भी बदतर हो जाते हैं। मैं उस हीरो की कहानी सुनाने लगी हूँ जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपनी जान पे खेल के आलमी अमन और इंसानी हकूक के लिए ठोस इकदाम उठाए, मशरक़ वुस्ता से 14,000 अगवाशुदा लोगों को बाजियाब करवा के बाहिफाजत घर पहुँचाना हो, या खलीजी ममालिक से 400 कमसन बच्चों को छुड़ाना, 60 पाकिस्तानियों को सूडानी माफिया की कैद से आज़ाद करवाना हो, या 22 कश्तीरानों को सोमाली कजाकों से बचाना, ये सब किया है हमारे हीरो ने। उनका नाम है अंसार बर्नी, जिनको बचपन से ही जुनून था कि इंसानियत की खिदमत करनी है, बातिल के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है चाहे जो मर्जी हो जाए। बर्नी को बारहा अपनी जमहूरी तकारीर की वजह से जेल भेजा गया। वहां कैदियों के साथ होने वाले बदतरीन सलूक जब बर्नी ने खुद सहे तो उनसे रहा ना गया। जेल से रिहा होते ही उन्होंने बर्नी ट्रस्ट की बुनियाद रखी, फिर पूरे पाकिस्तान की जेलों का दौरा किया और झूठे केस में फंसे कैदियों को बाजियाब करवाया। पाकिस्तानी कानून में कैदियों के हकूक के लिए तरामीम करवाई और उन्हें बेहतर खाने और इलाज मुआवजे की सहूलियात अपने ट्रस्ट से फराहम करवाई। 2002 में हकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा इम्तियाज से नवाजा। पहली बार वजारत इंसानी हकूक कायम की गई जिसका सरबराह अंसार बर्नी को बनाया गया। बारहा उनकी जान पे शरपसंद अनासिर ने हमले किए हैं, उनके कारकुनों को शहीद किया है, उनकी एम्बुलेंसेस जलाई हैं और हत्ता के उनके ऑफिस तक तबाह किए हैं, मगर कोई चीज़ बर्नी के अज़्म को मुतजलजल नहीं कर सकी। ऐसा है मेरा पाकिस्तान, इस धरती का बच्चा करता है तुझे सलाम। मानना पड़ेगा तानिया, प्लैनेट अर्थ के लोग बहुत अच्छे हैं। जानते हो ये वो कहानियाँ हैं जो बहुत कम मंजरेआम पे आई। वो भी फर्क पड़ रहा है, दुनिया को तबाह करने की परसेंटेज कम हुई है। अर्थ को बचाने के लिए मुझे T2 को किसी तरह भी जाने से रोकना होगा। क्या तानिया जमीन को बचाने में कामयाब हो जाएगी? देखिए अगली एपिसोड और जानिए कि क्या होता है। Can you take a ride with me? Can you take a ride with me now? Flying through the galaxy, we're traveling at light speed now. Take you to the stars and back, a little bit of Star Trek now. Let warp speed drift in my spaceship. Me too and you too, what we'll do in my spaceship? Kiss you at light speed, I will do in my spaceship. Me too and you too, what we'll do in my spaceship? Kiss you at light speed, I will do in my spaceship.